नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल 99 ज्ञानी में। दोस्तों, आपको मैं बताऊंगा आज उस महान योद्धा के बारे में जो 20 साल की अल्पायु में ही शहीद हो गए थे। जी हाँ, उस बहादुर सैनिक का नाम है गब्बर सिंह नेगी। 21 अप्रैल 1895 का दिन उत्तराखंड के टिहरी जिले के चंबा में हमेशा की तरह सूरज उगा था, लेकिन ये सूरज एक नई चमकदार और ओजस्वी रोशनी के साथ आया था। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र को एक गढ़नायक मिला था, हाथों में ताकत, दिल में जोश, खून में उबाल और मातृभूमि के लिए हर वक्त प्राणों को न्योछावर कर देने का मादा। ऐसा बलवान शौर्यवान था गबरू। जी हाँ, बचपन में प्यार से उन्हें गाँव वाले गबरू ही कहते थे, लेकिन गाँव वालों को क्या पता था कि गबरू ने अपने दिल में कोई और ही ख्वाब पाले हैं। सीना चौड़ी छाती का, वीर सपूत हूँ माटी का, कहते हैं कि गबरू को ये गीत काफी पसंद था। गब्बर सिंह नेगी का जन्म 21 अप्रैल 1895 को उत्तराखंड में टिहरी जिले के चंबा के पास मंजूर गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। वह अक्टूबर 1913 में 39 गढ़वाल राइफल में भर्ती हुए। भर्ती होने के कुछ समय बाद गढ़वाल राइफल के सैनिकों को प्रथम विश्व युद्ध के लिए फ्रांस भेजा गया। उस हमला बल में आधे से ज्यादा सैनिक भारतीय थे और यह पहली बड़ी कार्यवाही थी जब भारतीय सैन्य दल एक इकाई के रूप में लड़ा था। भारी क्षति के बावजूद वे एक प्रमुख दुश्मन की स्थिति लेने में कामयाब हुए और बिना वक्त गंवाए दुश्मन को ढेर कर दिया। 10 मार्च 1915 में न्यू शैपल में लड़ते लड़ते 20 साल के अल्पायु में वो शहीद हो गए। मरणोपरांत गब्बर सिंह को ब्रिटिश सरकार के सबसे बड़े सम्मान विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। सबसे कम उम्र में विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित होने वाले शहीद गब्बर सिंह नेगी थे। तब से हर साल 21 अप्रैल को चंबा में उनके स्मारक स्थल पर गढ़वाल राइफल द्वारा रैतलिंग परेड कर उन्हें सलामी दी जाती है। 1971 में गढ़वाल रेजिमेंट ने चंबा में उनका एक स्मारक बनाया जहां लोग उनकी बहादुरी और पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस स्मारक के आसपास का क्षेत्र मेले के दौरान बिल्कुल जीवंत हो उठता है। गढ़वाल राइफल का नाम विश्व भर में रोशन करने वाले वीर गब्बर सिंह नेगी की शहादत को याद करने के लिए हर साल चंबा में मेले का आयोजन होता है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।